इंद्रगढ़ कृषि उपज मंडी के बाहर व्यापारियों की मनमानी के चलते किसानों ने लगाया जाम, यात्री हुए परेशान। दतिया जिले की कृषि उपज मंडी इंद्रगढ़ में फसल की खरीदी में घटतौल से नाराज किसानों ने सड़क मार्ग पर चक्का जाम लगा दिया है। चक्का जाम ग्वालियर इंद्रगढ़ रोड पर 3 घंटे तक किसानों ने मंडी गेट के बाहर मंडी समिति प्रशासन की मनमानी के चलते जाम लगाया। किसानों को कहना है कि व्यापारी द्वारा मनमर्जी से डाक बोली लगाई जा रही है और 2% राशि काटने पर ही किसानों के फसल की खरीद हो रही है। उनकी फसल की घट तौल की जा रही है। मंडी परिसर के बाहर किसानों के फसल की तौल नहीं कराने देते हैं। मंडी के धर्म काटा में तौल की गड़बड़ी कर रही है। चक्का जाम लगते ही इंद्रगढ़ ग्वालियर मार्ग पर लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। इंद्रगढ़ से संवाददाता शिव रमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही मंडी में, क्या जाम लग रहा है? पैसा मैसा दे नहीं रहे, 2 रुपये सैकड़ा काट रहे, बोरा भी काट रहे, 1.5 किलो क्विंटल 25 रुपये बोरा तलाई काट रहा है। कहाँ से? भलका से। कहाँ लेके आए थे? धान बेचने। क्या समस्या थी? 6 बजे के फंसे यहाँ पर, कोई खरीद नहीं लिया है। डाक बोली नहीं भाई? नहीं भाई, अभी आप लोगों की क्या मांग है? क्या हमारे पास डाक चालू हो जाए, सही रेट में हो जाए। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या कहाँ से? किसान से। कब से कब आए थे, क्या समस्या बताए? हम साहब कल के आए, यहाँ ना डाक हो रही ना सही से भाव लग रहा है साहब, पैसा गिरा साहब उधार देंगे, गुंजा देंगे साहब, दवाई को त्यौहार है, दिक्कत आ रही है साहब।